मीरा भाईंदर में अगर आप देखेंगे तो मीरा भाईंदर की विधायक की भी चर्चा रहती है और ओड़ा माझी बड़ा 146 विधानसभा क्षेत्र जो है उसकी भी चर्चा रहती है, जिसके विधायक प्रताप सरनाईक कहीं ना कहीं अपने जितने भी दिए हुए वचन है वो पूरे करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जो वचन है ये भी उन्हीं वचनों में से एक था जो उन्होंने कहीं ना कहीं पूरा किया है, क्योंकि फिलहाल जहां मैं हूँ ये मराठा क्रांति स्तंभ का उद्घाटन होने जा रहा है, शुभारंभ होने जा रहा है और कुछ ही देर में यहाँ विधायक प्रताप सरनाईक जो है वो मौजूद रहेंगे और उनके हाथों इस क्रांति स्तंभ मराठा क्रांति स्तंभ का उद्घाटन जो है वो किया जाएगा। यहाँ फिलहाल जितने भी कार्यकर्ता हैं शिंदे गुट के जितने भी कार्यकर्ता हैं वो नजर देखे आ रहे हैं। थोड़े ही समय में यहाँ प्रताप सरनाईक पहुंचने वाले हैं, वो क्या कहेंगे ये आपको दिखाने का प्रयास देखिए करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं मौजूद हैं, सरनाईक जी ने जो कहा है वो पूरा हो रहा है। हाँ बस जो वचन दिया था वो पूरा हो रहा है, पूरा हो रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम बहुत खुश है उस तक। थोड़ी देर में यहाँ पर प्रताप सरनाईक जी आने वाले हैं। हाँ आने वाले हैं। क्या आप लोग आगे जो जनता तक मैसेज जा रहा है कि प्रताप सरनाईक जी ने जो कहा वो पूरा हो रहा है कि नहीं, क्या कहते हो? 100% हम जनता के लिए बहुत क्या कहना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, उनका काम हमने देखा हुआ है, उन्होंने आज इतने साल से वो अपना काम जो कर रहे हैं आम जनता के लिए वो हमें बहुत अच्छा लग रहा है और आगे भी वही चुन के आएंगे, ये हमारा पक्का वादा है उनसे। जी तो यहाँ कुछ महिलाएं थी और ये सीधे तौर पर शिंदे गुट द्वारा ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है यहाँ पर मौजूद हैं। जैसा मैंने कहा थोड़े समय में शिवसेना के बड़े बड़े नेता जितने हैं वो और इसी के साथ साथ खुद प्रताप सरनाईक, विधायक प्रताप सरनाईक जो हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे, वो क्या कहते हैं और क्या नहीं ये भी आपको सुनाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों हमारे साथ इस वक्त प्रताप सरनाईक जी मौजूद हैं। सर कैसा लग रहा है अभी अभी जो स्तंभ है उसका उद्घाटन? मीरा भाईंदर में सुबह से मैं बहुत ही विकास काम जो मैंने मेरे विधायक कार्य में किए थे उसके उद्घाटन कर रहा हूँ। हमने घोड़बंदर गांव में व्यायामशाला और समाज मंदिर का उद्घाटन किया, उसके बाद में अन्नाभाऊ साठे जो चौक हम फाउंटेन होटल के पास बना रहे हैं उसका उद्घाटन किया, हमारे हटकेश के चौक पे ज्येष्ठ नागरिकों के लिए बैठने के लिए हमने कुछ चीज़ें बनाई है उसका उद्घाटन किया, और अभी हमारे सभी मराठाओं के प्रति आदर्श रहते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज को हम पूछते हैं सब लोग, तो उनकी जो प्रतिमा है वो प्रतिमा का यहाँ पे हमने कुछ एक चौक बनाया उसका भी नामकरण हमारी निशाताई नार्वेकर जो इस मीरा भाईंदर शहर की हमारी जिला संगठक है उन्होंने बिंदी की थी, तो ये चौक हमने यहाँ पे बनाया। तो यहाँ पे आने वाले जाने वाले जो भी लोग हैं वो छत्रपति शिवाजी महाराज की इस प्रतिमा को देखते हुए उस वास्तुशिल्प को देखते हुए मुजरा करके ही आगे जाएंगे ऐसा हमारा कहना है, और हमने वो यहाँ पे एक चौक बनाया। विकास के काम को लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब के मार्गदर्शन पे मीरा भाईंदर शहर की धीरे धीरे प्रगति हो रही है, विकास काम के लिए हमने करोड़ों रुपए का निधि मीरा भाईंदर शहर के लिए उपलब्ध करके दिया है, तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज इस जो चौक का खाली वातावरण है बहुत ही प्रफुल्लित हो गया, छत्रपति शिवाजी महाराज की यादें ताज़ा रखने के लिए वो जिंदा रखने के लिए हमें ये ऐसे चौक पूरे जगह जगह पे हर शहर में हर चौराहे पे करने चाहिए, ताकि महाराज जी ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जो योगदान इस राष्ट्र के लिए है इस महाराष्ट्र के लिए वो कभी कोई भूलेगा नहीं। जैसा आपने सुना प्रताप सरनाईक साहब से जो मराठा अस्मिता है हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि मराठा अस्मिता कायम रहे, इसके लिए जितना प्रयास कर सके हम करें।